नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना के जेपी गोलंबर के पास धरना दिया। तेजस्वी यादव के साथ वहां उनके भाई तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने पोस्टर बैनर के जरिए इस बिल का विरोध किया। आरजेडी नेताओं ने बिल को असंवैधानिक बताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीएबी और एनआरसी के खिलाफ आरजेडी का आज पटना के जेपी गोलंबर पर महाधरना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आरजेडी के तमाम नेता और विधायक यहां पर मौजूद हैं। धरने पर बैठे तेजस्वी यादव ने धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया और इस बिल का समर्थन करने पर नीतीश कुमार का इस्तीफा तक मांग लिया। ये नागरिकता संशोधन जो बिल है ये देश को तोड़ने वाला बिल है, ये मानवता के खिलाफ है। आरजेडी के इन आरोपों पर केंद्र सरकार की सहयोगी एलजेपी ने पलटवार किया। पार्टी नेता चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की जानकारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई समझना चाहिए मेरे छोटे भाई हैं, जानकारी का अभाव होता है पर समय समय पर ऐसे आधार बनाए जाते हैं। आरजेडी ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में अपने प्रदर्शन को और तेज करने की बात कही।